नमस्कार, करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। आज हम बात करेंगे स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस की। स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस का सफल परीक्षण किया गया है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में ऑपरेटिंग सिस्टम को सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT द्वारा किया गया है विकसित। प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया विजन के तहत इसे तैयार भी किया गया है। भारत ओएस गोपनीयता और सुरक्षा पर केंद्रित एक नया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। गूगल के एंड्रॉयड और एप्पल के iOS आदि के तर्ज पर स्मार्टफोन के लिए नया ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में इसे जाना जाएगा। भार ओएस नो डिफॉल्ट एप्स यानी NDA पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। नो डिफॉल्ट एप्स क्या होते हैं, आइए जानते हैं। उपयोगकर्ताओं को उन ऐप्स का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जिनसे वे परिचित ना हो या जिन पर उन्हें भरोसा ना हो। ऐसे ऐप्स को नो डिफॉल्ट ऐप्स कहा जाता है। भार ओएस में उपयोगकर्ताओं के पास अपना डाटा साझा करने या ना करने की अधिक स्वतंत्रता होगी। सरकार और सार्वजनिक प्रणालियों के उपयोग के लिए एक मुक्त और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में इसे देखा जा सकता है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मिशन इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के तहत वित्त पोषित यह परियोजना है। इसका उद्देश्य स्मार्टफोन के लिए विदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की निर्भरता को कम करना और स्थानीय रूप से विकसित स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना है। इसके डेवलपर IIT मद्रास द्वारा स्थापित J&K ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड हैं। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी।